जय हिंद दोस्तों, मैं इनके सिंघानिया और आप सभी को ईडो 2.0 में बहुत बहुत स्वागत है। और आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ रेलवे सामान विज्ञान एसके झा सर का जो बुक है, और इस बुक में जितना भी प्रैक्टिस सेट यहाँ पर दिया गया है सारा प्रैक्टिस सेट कंप्लीट में आपको मैं कराने वाला हूँ। बारी बारी से हमारा वीडियो आएगा और एक वीडियो में आपको हम एक सेट कंप्लीट कराऊंगा संपूर्ण विश्लेषण के साथ मेरे भाई साहब, ठीक है। अब देखिए, एक और पॉइंट में आपसे मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो बुक है ना, ये बुक बहुत ही बेटर बुक है और एसके झा सर के द्वारा इस बुक को निकाला गया है और इस बुक को बनाने में बहुत समय लगा है। क्योंकि देखिए मेरे भाई, देखो इस बुक में ना जो भी क्वेश्चंस यहाँ पे सामान्य विज्ञान का सेट किया गया है, ये सारा क्वेश्चंस आरआरबी ग्रुप डी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। यदि आप इस बुक को आप पूरी तरह से प्रैक्टिस यहाँ पे कर लेते हो ना, तो आरआरबी ग्रुप डी में मेरे बंधु कुछ भी क्वेश्चंस फंसने वाला नहीं है साइंस से। यदि आपका थ्योरी का पोर्शन कंप्लीट है या कुछ भी आप जानते हैं, तो आप इस बुक का हर एक प्रैक्टिस सेट को एकदम प्रैक्टिस करिए मेरे भाई, आपका साइंस पूर्णतः यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। कि जो भी हमारे भाई अभी हमारे इस चैनल से नहीं जुड़े हैं, वह चैनल को सब्सक्राइब करके यहाँ पे जुड़ जाएंगे ताकि उनको हमारा ये हर एक सेट का वीडियो उनके पास पहुँचता रहे। कंप्लीट में ये मैं सेट में कराने वाला हूँ और इस बुक में जितना भी सेट यहाँ पे दिया गया है। और एक बात और, आप लोग का बात रहा पीडीएफ का, तो हर एक सेट का पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री मिल जाएगा। टेलीग्राम पर इसका लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पे आपको हर एक सेट का पीडीएफ बिल्कुल फ्री आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो आपको कुछ भी चिंता नहीं करना है, बस आप लोग हमारे इस चैनल से जुड़ जाएं और हर एक जो भी एसके झा सर का बुक है, वे मैथ का हो, रीजनिंग का हो या सेट प्रैक्टिस का हो, सारा बुक में कंप्लीट अब मैं कराने वाला हूँ। क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि अब तो ऑफलाइन क्लास पूरा बंद हो गया है, तो अब मैं ऑनलाइन में यहाँ पे मैं आ गया हूँ ईडो 2.0 पर और यहाँ से आपको मैं पूरा कंप्लीट यहाँ से मैं कराने वाला हूँ। तो चलिए, आपका समय बर्बाद ना करते हुए इस सेट को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देखिए, ये पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विद्युत चुम्बकीय तरंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है। देखिए ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए रेडियो तरंग, ऑप्शन बी इंफ्रारेड तरंग, ऑप्शन सी एक्स किरणें और ऑप्शन डी यहाँ पर गामा किरणें हैं। अब देखिए इसका यहाँ पे उत्तर क्या होगा। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि विद्युत चुंबकीय तरंगें किसकी सबसे कम होती है, यानी कि चारों ऑप्शंस में से। देखिए, यदि आपको ना एक सीरीज याद है तो इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन हो ना, उसको आप चुटकी में मार सकते हैं। अब देखिए ये सीरीज क्या है। देखिए, यदि मैं बात करूं वेव लेंथ का, यानी कि तरंग दर्द का, देखिए सीरीज में क्या होता है, बस आपको ये सीरीज यहाँ पर याद रखना है। देखिए, वेव लेंथ सबसे अधिक होता है रेडियो तरंग का, सबसे अधिक होता है, इसके बाद इंफ्रारेड तरंग का, मतलब इससे कम होता है, और इसके बाद एक्स किरणें का और इसके बाद गामा किरणें का। तो देखिए इस सीरीज से यहाँ से स्पष्ट हो गया और इस सीरीज से यहाँ से इस क्वेश्चन का उत्तर भी यहाँ पे मिल गया कि इसका उत्तर यहाँ पे होने वाला है ऑप्शन से डी, यानी कि गामा किरणें। तो आपको ये सीरीज एकदम अपने माइंड में यहाँ पे डाल लेना है और जब भी कुछ भी इस सीरीज से क्वेश्चंस पूछेगा तो आप उसको चुटकी में आप वहां से मार सकते हैं। अब देखिए, मैं यहां पे मैं बात कर रहा हूं वेव लेंथ का, लेकिन मैं आपसे मैं पूछ दूं कि इनमें से किसका आवृत्ति सबसे अधिक होगा। तो देखो भाई, कॉमन सेंस का बात होता है कि जो वेव लेंथ होता है ना, वह आवृत्ति का व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि जिस चीज़ का वेव लेंथ अधिक होगा उस चीज का आवृत्ति सबसे कम होगा। तो यहाँ से स्पष्ट है कि इसमें वेव लेंथ रेडियो वेव का सबसे अधिक है, तो इसका आवृत्ति सबसे कम होगा, और यहाँ पर गामा किरणें का वेव लेंथ सबसे कम है, तो इसका आवृत्ति यहाँ पे सबसे अधिक होगा। तो मैं आपसे यहाँ से मैं क्वेश्चन पूछ लूँ कि इनमें से किसका
आवृत्ति सबसे अधिक होगा, तो उसका उत्तर क्या होगा मेरे भाई, यहाँ पे गामा किरणें होगा। तो इस प्रकार से आपको हम हर एक क्वेश्चंस का एक्स्ट्रा फैक्ट भी यहाँ पे हम बताते हुए चलेंगे, ताकि आपको किसी भी प्रकार के क्वेश्चंस में प्रॉब्लम ना हो सके। अब देखिए ये अगला क्वेश्चंस यहाँ पर है, जब एक चालक में धारा बहती है तो लेंज का नियम बताता है कि 100 प्रेरित वोल्टता क्या होगा। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चंस है और ये क्वेश्चंस ग्रुप डी एग्जाम में बहुत बार पूछा है। आप प्रीवियस सेट को आप उघार लीजिए, ये क्वेश्चंस बहुत बार पूछा है और देखो यह क्वेश्चंस में बहुत बच्चे यहाँ पे गलती भी कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला है, लेंज का नियम। यदि आपको लेंज का नियम यहाँ पे ना पता होना, तो आप इस क्वेश्चंस का उत्तर चुटकी में यहाँ पे मार सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको हम बता रहे हैं कि लेंज का नियम क्या होता है। देखिए आपको हम एकदम सिंपल भाषा में लेंज का नियम पहले आपको हम समझाते हैं और आप खुद से ही आप इसका उत्तर मार देंगे। देखिए लेंज का नियम क्या कहता है कि यदि किसी चालक में धारा मान लो कि इस दिशा में बह रही है, तो लेंज के नियम के अनुसार धारा के विपरीत दिशा में 100 प्रेरित वोल्टता होता है। मैं क्या बोला कि यदि किसी धारा की दिशा मतलब इस प्रकार है, तो इसके विपरीत दिशा में 100 प्रेरित वोल्टता होती है। किस नियम के अनुसार, तो लेंज के नियम के अनुसार, यही है लेंज का नियम। अब देखो भाई यहाँ पर इस लेंज के नियम के अनुसार इस क्वेश्चंस का उत्तर भी हमें यहाँ पे मिल गया। अब देखिए ना ये हमसे यहाँ पे क्या पूछ रहा है, जब एक चालक में धारा बहती है तो लेंज का नियम बताता है कि 100 प्रेरित वोल्टता मतलब क्या हो गया इसका। तो भाई हम यहाँ पे हम जानते हैं कि जब किसी चालक में धारा बहती है तो इसके उल्टा इसके विपरीत 100 प्रेरित यहाँ पे वोल्टता मेरे बंधु यहाँ पर होती है। तो इसका उत्तर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन सी न होगा जी। यहाँ पे देखो तो बढ़ने वाली धारा के विपरीत द्वारा उत्पन्न करेगा, मतलब इसका उत्तर यहाँ पे होने वाला है हमारे यहाँ पे ऑप्शन सी यहाँ पे होने वाला है। अब देखिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पर है, अगला क्वेश्चन बोला है ब्लू रे डिस्क एक डैश है। ऑप्शन ए दिया है वाद्य यंत्र है, ऑप्शन बी मेडिकल उपकरण है, ऑप्शन सी डाटा संग्रहण प्रणाली है और ऑप्शन डी शैक्षिक किट है। अब देखिए सबसे आपको यहाँ पे पहले ध्यान देना है कि ब्लू रे डिस्क एक्चुअली है क्या। तो देखो मेरे भाई यह एक प्रकार का ना डाटा स्टोर करने की एक डिवाइस है। आपको ध्यान रखना है कि ब्लू रे क्या है, कि एक डाटा को स्टोर करने के लिए एक डिवाइस है। तो इसका उत्तर यहाँ पे क्या होने वाला है, ऑप्शन सी यानी कि डाटा संग्रहण प्रणाली। अब देखिए कुछ ब्लू रे के बारे में आपको हम बता यहाँ पे देते हैं, अब देखिए ध्यान देंगे। देखिए इसकी जो एक जो डिवाइस होती है ना वह 25 GB की होती है, मतलब इसके जो एक जो लेयर होता है वह 25 GB का होता है, ठीक है ना। यह आपका CD या DVD के तरह ही यहाँ पे इसकी डिवाइस होती है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि जब भी क्वेश्चंस आए कि ब्लू रे डिस्क मतलब ये क्या है, तो आपको सीधे यहाँ पर बिना सोचे हुए इसका टिक क्या मारना है, डाटा संग्रहण प्रणाली मारना है। यहाँ से आते हैं अगले क्वेश्चन पे, नंबर 4। देखिए क्वेश्चन क्या है, किस रंग की वेव लेंथ यानी कि तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है। ऑप्शन में दिया है लाल रंग, ऑप्शन बी दिया है नारंगी रंग, ऑप्शन सी दिया है नीला और ऑप्शन डी दिया है बैंगनी। देखिए ना इस क्वेश्चंस का कोई भी क्वेश्चन हो, मतलब किसी भी टाइप का यहाँ पे रंग वाला क्वेश्चन पूछे कि किस रंग का आवृत्ति सबसे हाई होता है, किसका कम होता है, किसका वेवलेंथ सबसे अधिक होता है, किसका कम होता है। देखिए इसका मात्र एक ही फंदा है, यदि आप उस फंदा को जान गए तो इसका हर एक क्वेश्चन आप चुटकी में आप यहाँ से मार सकते हैं। अब देखिए ये फंदा क्या है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। देखिए एक आपको कंसेप्ट आपके यहाँ पर याद रखना है, उसका नाम क्या है, बैजानी हपिनाला, जानी ह पी नाला, पी नाला, ठीक है। अब देखिए इस रंग में बात होता है दो चीज का, एक पूछता है वेवलेंथ और एक पूछता है आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब देखिए आप यहाँ पर ध्यान देंगे, यदि हम लोग ऐसे जाएंगे, तो जो वेव लेंथ होता है ना, जो वेव लेंथ जो होता है
वह बढ़ता है। देखिए एरो में यहाँ पे दिया हूँ, यदि आप ऐसे आएंगे तो जो आवृत्ति होता है वह घटता है। मैं आपसे पहले ही मैं बोल दिया हूँ कि जिस चीज़ का आवृत्ति हाई होगा उसका वेवलेंथ कम होगा, क्योंकि जो आवृत्ति होता है वह वेवलेंथ का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो अब आप यहाँ पे ध्यान देंगे, जो ला है, ला का मतलब क्या, लाल जो रंग है इसका वेवलेंथ है सबसे हाई होगा, इससे कम नीला का होगा, इससे कम पीला का होगा, इससे कम मतलब हरा का होगा, इससे कम नीला का होगा, इससे कम जामुनी का होगा, और इससे कम यहाँ पर बैंगनी का होगा। तो यहाँ से सबसे कम जो वेवलेंथ यहाँ पे होने वाला है वह बैंगनी रंग का यहाँ पे होने वाला है। बैंगनी रंग का यहाँ पे सबसे कम यहाँ पे वेवलेंथ यहाँ पर होगा मेरे भाई, ठीक है। लेकिन सबसे अधिक यहाँ पे फ्रिक्वेंसी किसका होगा, तो बैंगनी के यहाँ पे होगा, क्योंकि मैं आपसे मैं बोल चुका हूँ पहले यहाँ पे हम। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि जिस रंग का वेवलेंथ हाई होगा उसका वहाँ पर फ्रिक्वेंसी यानी कि आवृत्ति वहाँ पे कम होने वाला है, ठीक है। तो इसका उत्तर यहाँ पे क्या होने वाला है आप तो बता सकते हैं। अब तो इसका यहाँ पे उत्तर होने वाला है ऑप्शन डी, यहाँ पर बैंगनी। या यदि हमसे यहाँ पे पूछता कि सबसे अधिक यहाँ पे किसका होगा, तो इसका यहाँ पे उत्तर होने वाला है ऑप्शन ए यानी कि लाल रंग यहाँ पर। तो चलिए आते हैं अगले क्वेश्चंस पर। देखिए अगला क्वेश्चंस है क्या है, ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन है, यदि वायु प्रतिरोध को नगण्य माने तो मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थिति, यदि वायु का प्रतिरोध नगण्य हो तो स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग क्या होता है। देखो भाई इस लाइन को आपको एकदम दिमाग में डाल लेना है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है मेरे भाई। तो देखिए इसका मतलब ये हुआ कि यदि किसी भी चीज़ को हम एकदम मुक्त रूप से गिराते हैं ना, तो उस चीज़ का जो स्थिति जो ऊर्जा होता है वह गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है। ये तो फिक्स है एकदम, ये तो कॉमन सेंस का बात है। लेकिन यदि वह वस्तु एकदम मुक्त रूप से गिर रहा है तो वैसी स्थिति में जो स्थिति जो ऊर्जा होता है यानी कि पोटेंशियल जो एनर्जी होती है और जो गतिज ऊर्जा होता है उसका जो योग होता है वह योग हमेशा स्थिर होता है यानी कि कॉन्स्टेंट होता है, समान होता है। आपको एकदम ये याद रखना है इस लाइन को कि जब भी कोई वस्तु मुक्त अवस्था में गिरती है तो उसका पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी का जो एडिशन होता है वह एकदम कॉन्स्टेंट होता है। तो इसका उत्तर मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा, यानी कि स्थिर होता है, यानी कि कॉन्स्टेंट होता है, यानी कि समान होता है, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है 6 नंबर। देखिए पायसन निष्पत्ति सिग्मा का व्यवहारिक मान क्या होगा, ये क्वेश्चन में ये पूछा गया है। तो देखिए इसका वैल्यू आपको एकदम डायरेक्ट यहाँ पे याद रखना है, इसका जो वैल्यू होता है वह है ऑप्शन सी होगा, यानी कि 0 से +1/2 के बीच होता है। एकदम हमेशा आपको ध्यान रखना है कि पायसन निष्पत्ति यानी कि सिग्मा का जो व्यवहारिक जो मान होता है वह 0 एवं +1/2 के बीच होता है, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चंस पर। देखिए अगला क्वेश्चंस यहाँ पर क्या है मेरे बंधु, ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चंस को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 7 नंबर, एकदम VBI ये क्वेश्चंस तो बहुत बार पूछा है। यदि साबुन के एक बुलबुल्ले को ऋण आवेश द्वारा आवेशित करें तब इसकी त्रिज्या में क्या होगा, कम होगा, वृद्धि होगा, समान रहेगी, सूचना पर्याप्त नहीं है। अब देखिए देखिए इसका कंसेप्ट क्या यहाँ पर है, यदि किसी भी साबुन के जो बुलबुला हैं उसको ऋण आवेश से आवेशित किया जाता है, एकदम ध्यान रखेंगे बात को जी, तो उस बुलबुले का जो त्रिज्या होगा, जो रेडियस होगा, वह हमेशा वृद्धि होता है, वह हमेशा वृद्धि होता है। आपको ध्यान रखना है, एकदम दिमाग में डाल लो कि यदि साबुन के बुलबुले को ऋण आवेश द्वारा आवेशित किया जाता है तो इसकी जो त्रिज्या होता है वह वृद्धि होती है, ठीक है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चंस पर।
अब देखिए अगला यहाँ पे क्वेश्चंस क्या यहाँ पर हैं, 8 नंबर, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के 36 घटक का निरपेक्ष मान ज्ञात किया जाता है, मतलब किसके माध्यम से। ऑप्शंस दिया है ए विक्षेप चुंबकत्व मापी द्वारा, ऑप्शंस बी दिया है डोलनी चुंबकत्व मापी द्वारा, ऑप्शन सी दिया है विक्षेप एवं डोलनी चुंबकत्व मापी द्वारा, और ऑप्शन डी दिया है नीति वृत्त द्वारा। इसका उत्तर यहाँ पे क्या होने वाला है। तो मेरे बंधु देखो इस क्वेश्चंस को एकदम आपको याद कर लेना, एकदम रट जाना है इस क्वेश्चंस को। देखिए इसका जो यहाँ पे उत्तर होने वाला है ऑप्शन सी, देखिए पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के जो क्षैतिज जो घटक होता है ना उसका जो निरपेक्ष जो मान हम जो ज्ञात करते हैं उसको विक्षेप एवं डोलनी चुंबकत्व मापी के द्वारा उसको ज्ञात किया जाता है। इस लाइन पे एकदम आपको एकदम दिमाग में डाल लेना है, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चंस पे। देखिए यदि आपको मतलब किसी भी क्वेश्चंस में डाउट हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। कुछ भी डाउट हो हमारे इस सारा क्वेश्चंस के डिस्कशन में तो आप एकदम निफिक्र होकर आप हमसे पूछ सकते हैं। अब हम आते हैं नंबर 9 क्वेश्चंस पर। देखिए नंबर 9 क्वेश्चंस नंबरिकल हैं। देखिए ये क्वेश्चंस ये क्या कह रहा है यहाँ पर, 1000 माइक्रो कूलम आवेश के कारण निर्वात में 9 मीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विभव एवं तीव्रता क्या होगी। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चंस है, तो चलिए इस क्वेश्चंस को पूरे विस्तार से सॉल्व करते हैं ताकि आपको किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम ना हो सके। सबसे पहले देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चंस में क्या क्या यहाँ पर दिया हुआ है। तो देखिए इस क्वेश्चंस में यहाँ पर दिया हुआ है आवेश यानी कि क्यू दिया है 1000 म्यू कूलम दिया हुआ है, यानी कि माइक्रो बोलते हैं माइक्रो कूलम बोलते हैं। अब देखिए आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि 1 माइक्रो कूलम बराबर 10^-6 कूलम होता है, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ डायरेक्टली यहाँ से कि 1000 × 10^-6 कूलम यहाँ पे हमारा हो जाएगा। तो डायरेक्टली मैं यहाँ से मैं कह सकता हूँ एकदम इसको करके यहाँ पर देखो ये हमारा 10^3 होगा और यहाँ पे ये 10^-6 कूलम होगा, तो ये घटेगा यहाँ से हमारा ये, तो ये डायरेक्टली यहाँ पे हो जाएगा 10^-3 कूलम हो जाएगा। तो ये आवेश का मान हमारे यहाँ से आ गया। अब देखिए आगे यहाँ पर हमें डिस्टेंस दिया यानी कि आर दिया है। आर क्या दिया है, 9 मीटर दिया है। अब देखिए हमें यहाँ पर क्या निकालना है, विभव निकालना है और फिर यहाँ से पूछा है तीव्रता पूछा है। अब देखिए एक फॉर्मूला होता है आप जान लीजिए कि विभव या विद्युत क्षेत्र का तीव्रता, देखिए तीव्रता का जो फॉर्मूला होता है इसको अब देखो विभव को दिखाते हैं भी से और ये तीव्रता को दिखाते हैं ई से, तो देखिए इसके बराबर एक फॉर्मूला होता है विद्युत स्थैतिक बल यानी कि एफ बटा में आवेश होता है। अब देखिए यहाँ से हमारा आ गया डायरेक्टली यहाँ से कि भी या ई बराबर एफ बटा में क्यू आ गया। अब देखो एक और फार्मूला हम यहाँ से जानते हैं कि जो विद्युत जो स्थैतिक जो बल बराबर होता है वह एफ बराबर के गुना क्यू वन गुना क्यू टू बटा में आर स्क्वायर होता है। अब देखो इस फार्मूला को हम ऐसे भी यहाँ पर लिख सकते हैं एफ बराबर ई गुना क्यू, क्या ई के स्थान पे भी हो सकता है यानी कि देखो ये दोनों यहाँ पे सेम होता है, इसमें कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं यहाँ पर है, तो इतना हो गया ना। अब देखिए एफ एफ यहाँ से इक्वल है तो यहाँ से इक्वल में यहाँ से मैं कर सकता हूँ, तो डायरेक्टली मैं यहाँ से मैं लिख सकता हूँ यहाँ से ई गुना क्यू बराबर के इंटू क्यू वन गुना क्यू टू हम बटा में आर स्क्वायर यहाँ से हमारा हो गया, ठीक है। अब देखिए एक क्यू से एक क्यू यहाँ से कट गया तो डायरेक्टली मैं यहाँ से मैं लिख सकता हूँ ई बराबर के इंटू क्यू बटा में आर स्क्वायर। अब देखो ई को हम विभव भी कह सकते हैं या इसको हम यहाँ पे हम तीव्रता भी यहाँ पे कह सकते हैं, आपको डाउट यहाँ पे नहीं होना है। अब देखिए इसके बाद अब आप यहाँ से फॉर्मूला यहाँ पे पुटिंग कर लो। देखो के का मान होता है आपको ध्यान रखना है कि के बराबर होता है 9 × 10^9 होता है, तो यहाँ पर हम यहाँ पर पुटिंग कर लेंगे तो 9 × 10^9 और देखो क्यू का मान क्या हमारे पास है 10^-3 है और R क्या दिया है यहाँ से, तो R हमारा 9 है यानी कि 9 का स्क्वायर हो गया। अब देखो एक नाइन यहाँ से कट गया, 1 नाइन यहाँ से हमारा बच गया, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर ये 10^9 है और यहाँ पे 10^3 है, तो डायरेक्टली मैं यहाँ से लिख सकता हूँ 1/9 × 10^6 वोल्ट बटा मतलब बाई मीटर यहाँ पे हो गया, तो यही यहाँ से उत्तर हो गया। तो ये हमारा
विभव या जो तीव्रता है इसका उत्तर यहाँ पे आ गया 1/9 × 10^6 वोल्ट प्रति मीटर यहाँ पे आ गया। दोस्तों तो हम यहाँ पे देख लिए कि इस क्वेश्चंस का यहाँ पे जो उत्तर होने वाला है यह ऑप्शन ए होगा, यानी कि 1/9 × 10^6 वोल्ट प्रति मीटर यहाँ पे होगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चंस पर, नंबर 10। देखिए नंबर 10 क्वेश्चंस क्या है यहाँ पर, देखिए क्वेश्चंस में यहाँ पे कहा गया है कि सरल आवर्त गति कर रहे एक कण की मध्य स्थिति से एक्स दूरी पर स्थितिज ऊर्जा समानुपाती होती है। अब देखिए आप ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि मतलब किसी भी जो सरल जो आवर्त गति होता है ना उसमें जो कण होती हैं वह एक्स दूरी पर जो पोटेंशियल जो एनर्जी होती है ना वह एक्स स्क्वायर के समानुपाती होती है। तो इसके यहाँ पे जो उत्तर होने वाला है ऑप्शन सी यहाँ पे होगा, यानी कि एक्स स्क्वायर यहाँ पे होगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है नंबर 11। अनुप्रस्थ तरंग संचारित हो सकती हैं, ऑप्शन ए दिया है गैस और धातु दोनों में, ऑप्शन बी दिया है गैस में परंतु धातु में नहीं, ऑप्शन सी दिया है गैस में नहीं परंतु धातु में, और ऑप्शन डी दिया है न गैस में और न ही धातु में। अब देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे ध्यान रखना है इस क्वेश्चंस को मारने के पहले कि अनुप्रस्थ जो वेव होती हैं जो तरंग होती हैं वह किस किस चीज़ में मतलब कौन कौन से माध्यम में यह संचारित हो सकती हैं। तो देखिए मेरे बंधु आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो अनुप्रस्थ जो वेव होती है यह केवल ठोस और द्रव में ही यह संचारित यहाँ पे हो सकती है। लेकिन अब देखिए इसका एक और एक भाई होता है उसका नाम होता है अनुद्रव्य तरंग। अब देखिए जो अनुद्रव्य जो तरंग होता है ना वह ठोस द्रव और गैस वह तीनों में यहाँ पर संचारित हो सकता है। तो देखो जब भी यहाँ पर ये दोनों वेव से संचारित होने वाला क्वेश्चन पूछे ना तो बस आपको ये दोनों कंसेप्ट आपको यहाँ पे याद होना चाहिए, और यदि आपको ये दोनों कंसेप्ट आपके यहाँ पे याद है ना तो आप ऐसे क्वेश्चंस को चुटकी में आप यहाँ पे लगा सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग अब जान गए कि जो अनुप्रस्थ जो वेव होता है वह केवल ठोस और द्रव में ही संचारित होता है। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शंस क्या दिया है कि ऑप्शन ए दिया है कि गैस और धातु दोनों में, बिल्कुल नहीं भाई, गैस में यह जो वेव होता है नहीं चलता है तो ये ऑप्शन तो हमारा होगा नहीं। आते हैं बी पर, गैस में परंतु धातु में नहीं, भाई ये गैस में नहीं होता है तो बी भी यहाँ पे नहीं होगा। अब आते हैं सी में, देखिए सी में क्या दिया है कि गैस में नहीं परंतु धातु में, यानी कि धातु मतलब क्या, ठोस में। तो हम लोग जानते हैं कि जो अनुप्रस्थ जो वेव होता है यह धातु यानी कि ठोस और ये लिक्विड में इफेक्टेड वहाँ पे होता है, तो इसलिए इसका उत्तर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन सी यहाँ पे होगा, गैस में नहीं परंतु धातु में। तो इस प्रकार से इसका उत्तर आप यहाँ पे लगा सकते हैं। आते हैं अगले क्वेश्चंस पर, अब देखिए अगला क्वेश्चंस क्या है, क्वेश्चन देखिए यहाँ पे बोला गया है कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 है तो कार्बन के 24 ग्राम में अणुओं की संख्या क्या होगी। देखिए यह क्वेश्चंस न्यूमेरिकल है केमिस्ट्री का, बहुत इजी है, कोई हार्ड नहीं है, बस आपको एक फार्मूला आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अब देखिए जब भी आपसे किसी भी एलिमेंट का अणुओं की संख्या आपसे पूछे ना तो देखिए अणुओं की संख्या बराबर क्या होता है, अणुओं की संख्या बराबर क्या होता है, दिया गया उस एलिमेंट का द्रव्यमान अब बटा में दिया गया उस एलिमेंट का परमाणु द्रव्यमान, बस इसको भाग करना है और आपका आपका वहाँ से अणुओं की संख्या वहाँ से फाइंड वहाँ पे हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चंस में कार्बन का बात हो रहा है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर कार्बन का जो द्रव्यमान यहाँ पे दिया गया है अणु का वह दिया गया है 24 ग्राम दिया गया है, ठीक है ना। अब देखिए कार्बन का जो परमाणु जो मास यहाँ पे दिया गया है वह दिया गया है 12 दिया गया है। अब इसको क्या करना है मेरे भाई, यहाँ पर आपस में यहाँ पे भाग कर दो तो ये हमारा क्या आ गया, बोलो ये हमारा क्या आ गया, 2 आ गया। यानी कि कार्बन में जो अणुओं की जो संख्या होती है क्या होती है, यहाँ पर 2 होती है। तो इसका उत्तर यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। तो इस प्रकार से आपको ये फॉर्मूला यदि आपको मालूम है कि अणुओं की संख्या बराबर क्या होता है तो दिया गया द्रव्यमान बटा में परमाणु द्रव्यमान संख्या होता है, बस आप इसको याद रखें तो आप ऐसा क्वेश्चन चुटकी में आप यहां पे कर सकते हैं। आते हैं अगले क्वेश्चंस पर, अब देखिए अगला क्वेश्चंस यहां पर क्या है,
इनमें से कौन सा पदार्थ गैस्ट्रिक अम्ल के एक संगठन के रूप में पेट में नहीं स्रावित होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो भाई, ये जो क्वेश्चन है आरआरबी ग्रुप डी में बहुत बार पूछा हुआ ये क्वेश्चन हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम आपको मैं बताता हूँ कि पेट में कौन कौन सा अम्ल वहाँ पे स्रावित होता है। तो देखिए, ध्यान देंगे, पहला अम्ल होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, अगला सोडियम क्लोराइड होता है, अगला पोटेशियम क्लोराइड होता है। यानी कि ये जो तीन जो अम्ल होता है ना पेट में स्रावित होता है। तो मेरे भाई, ये तीन के अलावा यहाँ पर क्या दिया गया है? सल्फ्यूरिक अम्ल दिया गया है। तो यानी कि जो ये सल्फ्यूरिक जो अम्ल होगा यह पेट में स्रावित नहीं होता है, और यही इस क्वेश्चन का यहाँ पे उत्तर होने वाला है। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब देखिए, अगला यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया गया है, कि ये भी एक नंबरिकल है केमिस्ट्री का। यह देखते हुए कि ऑक्सीजन के एक मोल परमाणु का वजन 16 ग्राम है, तो ओजोन का अणु भार क्या होगा? देखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं आपको करना है। देखिए, हम लोग जानते हैं बचपन से ही मेरे भाई यहाँ पर, कि जो ऑक्सीजन होता है यानी कि जो ओ होता है, देखिए ये ऑक्सीजन का एक अणु है, ओ है, ठीक है ना। इसका मास कितना होता है? 16 होता है। लेकिन हमसे यहाँ पे क्या पूछ दिया है ना कि ओजोन का अणु भार क्या होगा। तो भाई, ओजोन का सूत्र क्या होता है? O3 होता है ना। अब देखिए, यहाँ पे O3 यहाँ पर है, तो देखिए O3 का मतलब क्या है कि यहाँ पर ऑक्सीजन का इसमें तीन अणु यहाँ पर हैं। तो हम जानते हैं कि एक अणु का मास 16 होता है, तो तीन अणु का क्या होगा? 16 × 3 = 48 यहाँ पर होगा। तो डायरेक्टली यहाँ से मैं कर सकता हूँ 16 × 3 यानी कि 48। तो यही मेरे भाई इसका उत्तर होगा। ऑप्शन क्या है? तो ऑप्शन इसका यहाँ पर बी होगा। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोला गया है, डैश एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है। बहुत इजी क्वेश्चन ये तो हैं। एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क क्या है? अब देखिए, ऑप्शन में यहाँ पर क्या क्या दिया है, कालोलिनाइट है, ऑप्शन बी दिया है हेमेटाइट है, ऑप्शन सी दिया है जियोलाइट है, ऑप्शन डी दिया है बक्साइट है। हम तो बचपन से जानते हैं मेरे भाई साहब यहाँ पर कि एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण जो अयस्क है वह क्या है? बक्साइट है। तो इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन यहाँ पर डी होगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए, 16 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है, देखिए, PbO2+4HCl और यहाँ पे ये इक्वेशन है, ठीक है ना, यहाँ पे एक रिएक्शन हो रहा है और इसमें हमसे पूछ रहा है कि में ऑक्सीकृत होने वाला पदार्थ डैश है, यानी कि इनमें से मतलब कौन सा जो पदार्थ है वह ऑक्सीकृत हो रहा है। अब देखिए, सबसे पहले आपको ना हल्का सा ऑक्सीकृत के बारे में आपको नॉलेज यहाँ पे होना चाहिए कि मतलब ऑक्सीकृत क्या होता है और यहाँ से अवकरण क्या होता है, अपचयन क्या होता है, उपचयन क्या होता है। देखिए, आप ध्यान देंगे, देखिए ऑक्सीकृत कहिए या आप ऑक्सीकरण कहिए या आप उसको उपचयन कहिए, सबका नाम सेम है, ठीक है ना। अब देखिए, इसका सिंपल सा फॉर्म यहाँ पर यही होता है कि किसी भी पदार्थ को हम ऑक्सीकृत कब कहेंगे, जब वह पदार्थ टूट जाए, जब वह पदार्थ क्या हो, टूट जाए। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ पर HCl है, तो HCl मान लीजिए कि ये आपका टूट गया H+Cl में, तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि जो HCl हमारा है ना यह ऑक्सीकृत हुआ है, यानी कि ऑक्सीकरण हुआ है, उपचयन हुआ है, ठीक है ना। अब देखिए, इसके उल्टा क्या होता है, एक आपका अवकरण होता है या इसी को हम लोग बोलते हैं अपचयन बोलते हैं। अब देखिए, अवकरण या अपचयन में क्या होता है कि जब कोई पदार्थ होता है ना वह टूटे मत, मतलब कोई पदार्थ हो वह टूटे मत, उसके साथ कोई और पदार्थ वहाँ पर जुट जाए, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हमारा मतलब कोई, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमारा HCl हमारे यहाँ पर है, ठीक है ना। अब देखिए, ये टूटा नहीं है, इसके साथ मतलब कोई पदार्थ आकर यहाँ पर ये जुड़ गया है, तो इसको हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे यहाँ पे हम अवकरण बोलेंगे या इसको हम अपचयन यहाँ पे बोलेंगे। तो देखिए, इसी कंसेप्ट के साथ आपको यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे बोला गया है कि ऑक्सीकृत होने वाला पदार्थ है, यानी कि कौन सा पदार्थ इसमें टूट रहा है। अब देखिए, PbO2 जो है ये तो भाई यहाँ पे टूट नहीं रहा है, देखो ना यहाँ पर ये PB के साथ तो यहाँ पे Cl यहाँ पे आ गया, ज्वाइंट यहाँ पे हो गया, ठीक है ना। लेकिन
लेकिन जब आप यहाँ पे देखोगे मेरे भाई, यहाँ पे जो ACL है ना, अब देखो जो ACL है ना, ACL ये आपके यहाँ पे ये टूट गया दो भागों में। देखो H यहाँ पे आ गया और CL यहाँ पे आ गया। तो इसमें हम लोग यहाँ पर क्या देखे कि जो ACL है ना, यही आपके यहाँ पे ऑक्सीकृत हुआ है। तो इसका उत्तर यहाँ पे क्या होगा, देखो ना यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ, यहाँ पर हाइड्रोजन होगा कि लेड क्लोराइड होगा कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा कि यहाँ पर लेड डाइऑक्साइड होगा। तो भाई इसका उत्तर यहाँ पे क्या होने वाला है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी होगा, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यहाँ पे होगा। दोस्तों अब मैं आ गया हूँ 17 नंबर क्वेश्चंस पर। देखिए यहाँ पर क्या दिया है क्वेश्चंस, AlOH3 का तुल्यांकी भार निम्न में से क्या होगा। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये तुल्यांकी भार क्या होता है। देखिए किसी भी चीज़ का एलिमेंट दिया हो या कंपाउंड दिया हो, उसका तुल्यांकी भार निकालना होना, तो तुल्यांकी भार बराबर एक फार्मूला होता है, आपको ध्यान रखना है फार्मूला क्या होता है। दी हुई पदार्थ का अणु द्रव्यमान ठीक है, और बटा में दी हुई पदार्थ का संयोजकता होता है, संयोजकता ठीक है। बस आपको ये फार्मूला यहाँ पे ध्यान रखना है, आप ऐसे क्वेश्चंस को चुटकी में आप यहाँ पे कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, AlOH3। सबसे पहले इसका हम लोग यहाँ पे निकालेंगे अणु द्रव्यमान क्या होता है। अब देखिए Al मतलब अल्मोनिया होता है, तो अल्मोनिया का जो भार होता है वह 27 होता है, तो 27 प्लस में यहाँ पे कर लूँगा। उसके बाद देखिए ना यहाँ पर ऑक्सीजन है तो इसका 16 होता है, और यहाँ पे हाइड्रोजन है तो इसके यहाँ पे एक होगा, तो एक यहाँ पे हम जोड़ लेंगे। और देखिए यहाँ पर तीन है तो तीन से इसको हमें यहाँ पर गुणा करना होगा बाद में, तो यहाँ पर क्या आ गया 27 प्लस 16 एक 17 हो गया, और 17 को तीन से गुणा करना यानी कि ये हमारा 51 हो गया। तो यहाँ से जोड़ने के बाद ये आपका 8 और यहाँ से 7 यानी कि ये 78 हो गया। तो इसका जो अणु भार यहाँ पे हो गया 78 हो गया। तो यहाँ से मैं यहाँ इसमें लिख सकता हूँ कि अणु भार हमारा आ गया 78 आ गया। अब देखिए इसका जो संयोजकता जो होता है ना, इसका 3 होता है, तो इसमें हम 3 से यहाँ पे भाग करेंगे, तो जब यहाँ से भाग करेंगे ना तो यहाँ से हमारा आएगा 26। तो इसका जो तुल्यांकी जो भार यहाँ पे होने वाला है 26 होगा। देखिए ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन में आपके यहाँ पर बी है, यानी कि इसका उत्तर यहाँ पे ऑप्शन बी होगा। यहाँ पर आते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 18 नंबर, कोबाल्ट धातु किस विटामिन में होता है। बहुत इजी क्वेश्चन है, तो ये तो सबको मालूम है, और जो लोग नहीं जानते हैं जान लीजिए कि जो कोबाल्ट होता है ना वह B12 में होता है, यानी कि B12 जो विटामिन होता है इसमें कोबाल्ट धातु यहाँ पर ये पाया जाता है ठीक है। अब देखिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, 19 नंबर, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन है सिट्रिक अम्ल मुख्य रूप से किस में होता है। तो ये होता है गाजर में होता है, दूध में होता है, सेब में होता है, नींबू में होता है। तो इसका यहाँ पे उत्तर होने वाला है राइट, यहाँ पर ये होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, यानी कि नींबू में ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चंस पर। देखिए अगला क्वेश्चंस क्या यहाँ पर है, बोला गया है कि विज्ञान की एक शाखा है जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित हैं, उसको क्या कहा जाता है। तो देखिए यह एक अध्ययन का क्वेश्चन है, मतलब विज्ञान की जो शाखाएँ होती हैं उसका अध्ययन को क्या बोलते हैं। तो देखिए इसको बोला जाता है एक्सोबायोलॉजी, इसको आपको याद रखना है, इसको एकदम दिमाग में डाल लो, और जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको इसको एकदम डायरेक्ट यहाँ पे उत्तर मारना है। आते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पर। 21 नंबर क्वेश्चन, रक्त का इनमें से कौन सा घटक ऑक्सीजन का परिवहन करता है। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, ऑप्शन ए प्लेटलेट, ऑप्शन बी WBC, ऑप्शन सी प्लाज्मा, और ऑप्शन डी यहाँ पे RBC हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे समझना है कि जो शरीर होता है ना, शरीर में जो ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाने का कार्य कौन करता है। तो यह कार्य करता है RBC, रेड ब्लड सेल। इसका बस एक ही काम है कि ऑक्सीजन को अपने शरीर पर बैठाना, और मतलब अपने पीठ पर बैठाकर शरीर के भिन्न भिन्न भागों तक पहुंचाना। तो
तो जब भी ऐसा क्वेश्चंस आए तो डायरेक्ट आपको उत्तर मारना है यहाँ पर आरबीसी। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चंस का जो उत्तर यहाँ पे होने वाला है ऑप्शन से डी यानी कि आरबीसी। अब देखिए इसी से लिंकेड एक होता है डब्ल्यूबीसी होता है, इसका फुल फॉर्म होता है व्हाइट ब्लड सेल, ठीक है। अब देखिए इसका कार्य क्या होता है, तो इसका कार्य होता है शरीर में एंटीबॉडी का, एंटीबॉडी का आपको ध्यान रखना है कि डब्ल्यूबीसी का कार्य क्या होता है तो एंटीबॉडी का, और आरबीसी का कार्य क्या होता है तो ऑक्सीजन को ढोता है। यह देखो दोनों में बहुत कन्फ्यूजन यहाँ पे पैदा करता है तो इसलिए आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। आगे आते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन है नंबर 22। ए कमा बी और ओ खून का ग्रुप प्रणाली है, इसका आविष्कार किसने किया था। तो देखिए इसका यहाँ पे उत्तर होगा ऑप्शन सी यानी कि कार्ल लैंड अस्टिनर ने ए बी और ओ जो प्रणाली है इसका यहाँ पे खोज किए थे। आते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 23। अब देखिए 23 नंबर क्वेश्चन क्या है, भ्रूण एक विशेष तंतु की सहायता से माँ के रक्त से पोषण प्राप्त करता है, इस तंतु को क्या कहते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो भाई ये जो क्वेश्चन है आरआरबी ग्रुप डी में बहुत बार ही ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए सबसे पहले आपको मैं बता दूं यहाँ पर कि जो यूटेरस होता है यानी कि जो गर्भाशय होता है ना, देखिए गर्भाशय के साथ एक नली, इसे हम लोग तंतु बोलते हैं, तंतु यह जुड़ा होता है, इसी तंतु को पूछ रहा है कि इस तंतु को क्या कहते हैं, और इसी तंतु के माध्यम से ना जो बच्चा होता है इसको पोषण मिलता है, ठीक है ना। तो मेरे भाई इस तंतु को कहा जाता है नाल, नाल या इसको डिंब के नाम से जानते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि इसे क्या कहते हैं, तो इसे नाल या डिंब कहते हैं। तो इसका उत्तर यहाँ पे क्या होने वाला है, तो इसका उत्तर यहाँ पे होने वाला ऑप्शन बी यानी कि नाल या डिंब। आते हैं अगले क्वेश्चंस पर, अगला देखिए क्वेश्चंस हैं हेप्टिक्स क्या हैं। तो देखिए इसका उत्तर एकदम डायरेक्ट आपको दिमाग में डालना है, एकदम इसको रट जाना है यहाँ पर, ठीक है। इसका उत्तर होगा अपूर्ण प्रतिजन, तो आपको ध्यान रखना है हेप्टिस क्या है तो अपूर्ण प्रतिजन यहाँ पर है। अब देखिए मैं वर्ड को मैं बार बार मैं रिपीट में क्यों करता हूँ, देखिए आप लोग ध्यान दिए होंगे क्योंकि देखिए वर्ड आपके दिमाग में गूंजे, हमारा एक ही मकसद है कि मतलब आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट आपको मैं यहाँ से मैं याद में करवा दूँ, इसलिए मैं हर एक वर्ड को मैं बार बार में रिपीट में करता हूँ, ठीक है ना। अब देखिए आते हैं अगला क्वेश्चंस में, अगला क्वेश्चंस यहाँ पर क्या है 25 नंबर अंतिम क्वेश्चन है, निम्न में से किस कशेरुकी में बही कंकाल नहीं होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट वीबीआई क्वेश्चन हैं ग्रुप डी में, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है मेरे भाई। तो देखिए इसका उत्तर यहाँ पे डायरेक्ट होने वाला है एमीफिबिया उभयचर। अब देखिए उभयचर एक्चुअली क्या होता है ना, देखिए ये एक ऐसे जीव होते हैं जो जल और स्थल पर रहते हैं यानी कि दोनों जगह पर रहते हैं, तो वैसा जीव जो दोनों जगह पर रहे उसे हम लोग उभयचर बोलते हैं, और इसको इंग्लिश में एमीफिबिया के नाम से जाना जाता है। और देखो इंग्लिश वर्ड भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, पूछता है बहुत, ठीक है। तो इसका यहाँ पर उत्तर होने वाला है ऑप्शन ए, ठीक है, एमीफिबिया उभयचर यहाँ पर। तो इस प्रकार से हम लोग सेट वन के 25 क्वेश्चंस कंप्लीट यहाँ पे कर चुके हैं, तो इसी प्रकार से हमारा बारी बारी से वीडियो आएगा और पूरा कंप्लीट यहाँ पे इस बुक को मैं कराने वाला हूँ आपको। तो बस जो भी दोस्त अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले सेट में। तो जय हिंद, नमस्कार।